हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। उपमंडल पांवटा साहिब के भूपुर स्थित तिब्बतियन सेटलमेंट में शनिवार तड़के करीब 4 बजे एक मादा हाथी सहित एक नन्ना हाथी रिहायशी इलाके में घुसाया। हालांकि इन हाथियों ने कोई जानमाल का नुकसान नहीं किया, परंतु फिर भी उन्होंने बगीचे में घुसकर फल खाने की कोशिश की और इस दौरान आम के पेड़ों की काफ़ी टहनियां टूट गई। सुबह जब सेटलमेंट के लोगों ने बगीचे में टूटी टहनियां और हाथी के विशालकाय पैरों के निशान देखे तो हैरान रह गए। बाद में CCTV खंगालने पर एक मादा हाथी व उसके साथ एक नन्हे हाथी को अपने घरों के आसपास व बगीचे में घूमता देख हैरान रह गए। उधर इस बारे तिब्बतियन सेटलमेंट ऑफिसर पांवटा साहिब गैलेक जेमियांग ने बताया कि ये जंगली हाथी सुबह के वक्त ही अचानक यहाँ घुस आए और कुछ देर बगीचे में घूमकर वापस चले गए। इसके अलावा कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पांवटा से सचिन ओबरॉय।